दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मस्जिद अक्सा के बारे में एक हैरान कर देने वाली चीज जानेंगे। यकीनन मस्जिद अक्सा बहुत मुकद्दस जगह है जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह कर रहा है, क्योंकि कई सालों से इजराइल यानी यहूदी मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल इतना ताकतवर होने के बाद भी इन निहत्ते फिलिस्तीनी मुसलमानों से जीत नहीं पा रहा, मस्जिद अक्सा को हासिल नहीं कर पा रहा। आज इजराइल के पीछे दुनिया के बहुत से ताकतवर देश खड़े हैं जो कि इजराइल की मदद कर रहे हैं, इसके बावजूद इजराइल मस्जिद अक्सा को हासिल नहीं कर पा रहा। तो यकीनन मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अल्लाह ने फरिश्ते को मुकर्रर किया है, जिनकी वजह से इजराइल इतने ताकतवर होने के बाद भी मस्जिद अक्सा को फतेह नहीं कर पा रहे, मस्जिद अक्सा को हासिल नहीं कर पा रहे। वरना फिलिस्तीनी मुसलमानों के पास ना ताकत है, ना लश्कर है, ना बम है, ना बारूद, और दूसरी तरफ इजराइल के पास क्या कुछ नहीं है। 400,000 फौज है, खतरनाक हथियार है, मिसाइल है, रॉकेट है, इसके बावजूद इजराइल मस्जिद अक्सा को फतेह नहीं कर पा रहा। तो यकीनन अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहा है। तो मस्जिद अक्सा जिसे हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने जिन्नातों से तामीर करवाई थी, तो इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है कि मस्जिद अक्सा जो कि इतनी मुकद्दस जगह है, जिस जगह दुनिया की तारीख का सबसे हैरान कर देने वाला वाकया पेश आया यानी मेराज का वाकया पेश आया। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मुबारक जगह से सिदरतुल मुंतहा से भी आगे चले गए, तक की रसाई किसी की भी नहीं हो सकी। वहाँ भी हमारे नबी इसी जगह से गए थे, और आज साइंस चांद सूरज पर भी नहीं पहुँच पा रहा, और हमारे नबी सिर्फ एक रात में सातों जमीनों आसमान का सफर करते हैं और सिदरतुल मुंतहा से भी आगे जाते हैं और फिर वापस भी आ जाते हैं, जिसे आज साइंस भी हैरान है कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। तो ये सब अल्लाह की कुदरत है, ये हम जैसे नाचीज बंदों के समझ में नहीं आने वाला। तो भला इस मुकद्दर सरजमीन को अल्लाह यूं ही कैसे छोड़ सकता है। तो यकीनन अल्लाह इस मुकद्दर जमीन की हिफाजत खुद कर रहा है। कुछ साल पहले का ये वाकया है कि एक शख्स जो मस्जिद अक्सा की देखभाल करता था, साफ सफाई करता था और तमाम दरवाजे बंद करके रात के वक्त अपने घर वापस चला जाता था, तो इसी तरह जब वो एक रात मस्जिद का दरवाजा बंद कर रहा था तो अंदर से किसी के कुरान पढ़ने की आवाज आने लगती है। तो जब वो अंदर जाकर देखता है तो अंदर कोई नजर नहीं आता। फिर वो जब दरवाजा बंद करने जाता है तो फिर मस्जिद अक्सा के अंदर से किसी के कुरान पढ़ने की आवाज आती है। फिर वो अंदर जाकर देखता है तो कोई नजर नहीं आता। फिर वो दरवाजा बंद करके अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। जब वो रात के वक्त मस्जिद अक्सा के दरवाजे को बंद करने जाता है तो अंदर से किसी के कुरान पढ़ने की आवाज आने लगती है, तो वो घबरा जाता है और मस्जिद अक्सा की कमेटी को बताता है। तो कमेटी वाले बोलते हैं, घबराओ नहीं, हम सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। तो जब सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की जाती है तो सीसीटीवी कैमरे में मस्जिद अक्सा के अंदर एक नूरानी रोशनी नजर आती है, जिसके चारों तरफ नूर ही नूर था, मगर उनकी शक्ल कुछ भी नजर नहीं आ रही थी, जिसके बाद वो लोग भी घबरा जाते हैं। और कई दिनों की रिकॉर्डिंग चेक की जाती है और हर रिकॉर्डिंग में कहीं पर नूरानी चेहरे वाला नमाज पढ़ता हुआ नजर आता है तो कहीं पर कुरान पढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये सारा वाकया होने के बाद कमेटी वाले इमाम साहब और बस्ती के बड़े आलिमों से बताते हैं, तो तमाम लोग यही कहते हैं कि आज के बाद रात में मस्जिद अक्सा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, रात के वक्त किसी को भी मस्जिद अक्सा के अंदर जाने ना दिया जाए, क्योंकि रात के वक्त फरिश्ते और जिन्नात मस्जिद अक्सा में इबादत करने आते हैं, वो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो ये बहुत मुकद्दस जगह है, तो इस जगह फरिश्तों का और जिन्नातों का इबादत करना कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है। तो ये है मस्जिद अक्सा का मकाम जिसकी हिफाजत खुद फरिश्ते करते हैं। इन्हीं में से एक आलिम साहब ये कहते हैं कि यकीनन यही वो फरिश्ते हैं जो कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने में लगे हैं, वरना हमारे अंदर तो इतनी ताकत नहीं कि हम इजरायली को हरा सके और मस्जिद अक्सा को बचा सके। यकीनन अल्लाह इन फरिश्तों के जरिए हमारी और मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहा है। तो कमेंट में अल्लाहु अकबर जरूर लिखे। ये है मस्जिद अक्सा का मकाम। तो यकीनन हर मुसलमान को मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीन से जान से भी ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई मामूली मस्जिद नहीं है, ये वही मस्जिद है जिसे हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने बनवाई थी, ये वही मस्जिद है जिसके अंदर बहुत से अंबिया किराम की कब्र मुबारक है, ये वही मस्जिद है जहाँ से हमारे नबी मेराज पर गए थे। तो ये कोई मामूली मस्जिद नहीं है।